मेरा कोई पत्रकार परिषद लेने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ नशा मुक्त अभियान जो हमारा है, तो ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, जिनका सपना है नशा मुक्त भारत करने का, तो उसी पहल में एक छोटी सी हमारी एक कोशिश है। जब मुंबई में कार्यरत था एनसीबी में, तो वो टाइम पे भी काफ़ी हमारे नशा मुक्त अभियान हुआ करते थे, तो उसी श्रृंखला में कल्याण परिसर, डोंबिवली और उसके बाद में उल्लासनगर परिसर में हमारा एक अभी ये फोकस है कि यहाँ पर नशा मुक्त अभियान ज़्यादा चलाया जाए और बच्चों को और युवकों को ड्रग्स के खिलाफ जागरूक किया जाए। पिछले कई सालों से यह ड्रग्स सप्लाई हो रहा है, इसके ऊपर अध्यक्ष के अगेंस्ट में आपने क्या क्या कार्रवाई की है? देखिए, काफ़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किया है अभी तक, मुंबई महाराष्ट्र पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, एनसीबी जब हम मुंबई जोन का जब इंचार्ज था वो टाइम पे भी काफ़ी केसेस हमने किया था, काफ़ी ड्रग जो ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की थी, सख्त से सख्त कार्रवाई की थी, और उसके अलावा भी PTDPA जिसे कहते प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये भी हमने करने की कोशिश की थी, तो काफ़ी सक्सेस भी हुआ था, लोगों का सपोर्ट भी मिला था, रेसिडेंट एसोसिएशन का भी सपोर्ट हुआ था। अभी मेरी पोजीशन कुछ अलग है, मैं चेन्नई में कार्यरत हूँ, लेकिन जब भी नेशनल हॉलीडेज होता है, वीकली हॉलीडेज होता है, तो मैक्सिमम ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ गांव खेड़े में जाके, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके नशा मुक्त अभियान फैलाने का। तरीके से पिछले एक डेढ़ साल से जो चल रहा है मामला, उसके बाद आज जो आपका दौरा शुरू हुआ, इसे किसी राजनीतिक बात से भी जोड़कर? नहीं, ये कहना सही नहीं होगा। पिछले एक डेढ़ साल से अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स अगर आप फॉलो करेंगे, हर हफ्ते मेरा नशा मुक्त अभियान, हर हफ्ते मेरा जो UPSC के जो कार्यक्रम होते हैं, ये हर हफ्ते मेरे चलते हैं, हर दो दिन हफ्ते के गांव खेड़े पाड़े में मेरा कंट्रीब्यूशन है, आप देख सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहूँगा? विद्यार्थी को दो चीज़ मैं देना चाहूँगा, मैं मैसेज आपके माध्यम द्वारा, कि हमारा जो शरीर है एक मंदिर की तरह स्वच्छ होता है, पावन होता है, तो उसे ड्रग्स का कंजम्पशन करके ख़राब ना करे। युवकों को ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो पैसे लगते हैं ड्रग्स खरीदने में, ये हमारे राष्ट्र के खिलाफ यूज़ होते हैं, तो इसके लिए इसका सेवन करना, इसका सप्लाई करना बंद करे, ना करे, क्योंकि ये कम्प्लीटली गैरकानूनी है। और दूसरा, मैं युवकों को भी ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि जो नायक है हमारे ज़िंदगी में, हमारे देश के जो नायक होते हैं, ये झूठे नायक, झूठे फॉल्स हीरोज़ को नायक ना बनाए। हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को ये मैसेज है कि नायक का मतलब क्या है? नायक का मतलब है छत्रपति शिवाजी महाराज, नायक का मतलब है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, नायक का मतलब है शहीद भगत सिंह, नायक का मतलब है संभाजी महाराज, तानाजी मालुसरे, बाजी प्रभु देशपांडे, इन्हें कहते हैं नायक। तो इन नायकों को फॉलो करें, इनका प्रचार करें, इनके सिद्धांतों का, इनके सिद्धांतों का खुद के लाइफ में भी फॉलो करें, ये मैसेज है। तब के दौरे में आपने सबसे ज़्यादा खपत किस में देखी है? कौन सा ड्रग्स सबसे ज़्यादा सप्लाई होता है, कितने प्रकार के होते हैं? जैसे महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो पांच प्रकार के इम्पोर्टेंट ड्रग्स है, पांच छह प्रकार के। तो सबसे पहला है चरस, जो नार्को टेररिज्म, जिसकी जो एकोज होते हैं नार्को टेररिज्म से भी जुड़े हुए होते हैं। दूसरा प्रकार का है जिसे कहते हैं हीरोइन, जो परदेश से, जो एनिमिकल नेशन से, परदेश से भी काफ़ी आता है और हमारे बच्चों को अफेक्ट करता है। उसके अलावा गांजा भी एक पुराना ड्रग्स है, गांजा की अगर आप प्रमाण देखेंगे तो भारत में भी उगता है और बाहर से भी, विदेश से भी, जिसे हाइड्रोपोनिक वीट कहते हैं, ये जो अप्पर क्लास में ज़्यादा चल रहा है हाइड्रोपोनिक वीट। कुछ दिन पहले पलावा में भी, कल्याण में भी हमने एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक बस्ट किया था 2021 में, जब पर हाइड्रोपोनिक वीड उग रहा था, तो वो भी एक एक्शन किया था हमने। उसके अलावा मेफेड्रॉन, जिसे सिंथेटिक ड्रग है, मियोमियो कहते हैं, MD कहते हैं, इसका भी प्रचलन ज़्यादा है। LSD यानी लिसर्जिक एसिड है, जो प्रदेश से आता है, ये भी रेप पार्टीज़ में, थाना कल्याण वगैरह में काफ़ी हमने इसकी भी केसेस किया है। मेथाकेलोन कहते हैं, जिसे एक्सटेसी एक ड्रग्स आता है MDMA, और मेथाकेलोन, इसका भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है मुंबई थाने परिसर में।